नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। जस आप सोचिए कि उस बच्चे की स्थिति क्या होती है जिसके माँ बाप अपने लड़ाई की वजह से कस्टडी के बैटल में चले जाते हैं और बच्चे की कस्टडी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं कानून में। आपको नहीं लगता कि इस लंबी लड़ाई में जो सफ़र करता है, जो विक्टिम होता है, वो बच्चा और उसका बचपना होता है। दूसरी बात, जो सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है जब ये लड़ाई, कानूनी लड़ाई काफ़ी लंबी चलती है और बहुत कैट एंड डॉग की तरह दोनों माँ बाप फाइट करते हैं। इस वीक सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐसे निर्णय दिए जिसमें कस्टडी को लेकर एक पेरेंट दिल्ली इंडिया से बाहर के थे और जिनको कस्टडी दी गई। पहले केस में जो मदर थी वो सिंगापुर शिफ्ट कर रही थी अपने जॉब के सिलसिले में, तो उस केस में बच्चे की कस्टडी मदर को दी गई सिंगापुर ले जाने के लिए। दूसरे केस में जो बच्चा था वो उसके फादर केनिया के परमानेंट रेजिडेंट थे, हालांकि वो इंडियन थे बट वो परमानेंट रेजिडेंट थे, तो इसलिए उनको उस कस्टडी दी गई बच्चे की। पहले केस में रीतिका और सुजोय की शादी होती है 4 फरवरी 2009 को। सातिक जो उनका बेटा है उसका जन्म होता है 9 मई 2013 को, और इस तरीके से जो वो आज की डेट में 7.5 साल का है। रीतिका और सुजोय के बीच में काफ़ी सीरियस डिफरेंसेस पैदा होते हैं और जिसकी वजह से रीतिका और अलग रहने लगती है 2016 से, जब उस बच्चे की उम्र केवल 3 साल थी। रीतिका बाद में क्रुएल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स फाइल करती है और साथ में डोमेस्टिक वायलेंस का भी एप्लीकेशन लगाती है जो कि अभी भी बैंगलोर के कोर्ट में पेंडिंग है। रीतिका एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और उसका ट्रांसफ़र सिंगापुर हो जाता है और 2017 में, और सितंबर 2017 में वो बच्चे को लेकर सिंगापुर जाना चाहती है। और लेकिन सुजोय उसका पासपोर्ट, जो बच्चे का पासपोर्ट था वो सुजोय अब उसके फादर के पास था, वो पासपोर्ट देने से मना कर देता है। इस तरीके से रीतिका एक एप्लीकेशन लगाती है फैमिली कोर्ट में एक इंटरिम डायरेक्शन के लिए कि उसको सुजोय को डायरेक्शन दिया जाए कि वो पासपोर्ट बच्चे का दे दे। सुजोय एक तो वो इस एप्लीकेशन का विरोध करता है, दूसरे में वो एक एप्लीकेशन लगाता है जिसमें वो कहता है कि रीतिका को बेंगलोर से बच्चे को बाहर ले जाने के लिए रोका जाए। वो एक इंजंक्शन ऑर्डर की के लिए एप्लीकेशन लगाता है, साथ में विजिटेशन राइट की। रीतिका का ये कहना था कि सुजोय काफ़ी अब्यूसिव है, वायलेंट है और वो साइकोट्रिक डिसऑर्डर से है जिस वजह से वो इंटरिम कस्टडी के लिए इंटाइटल नहीं है। 4 जनवरी 2018 को फैमिली कोर्ट ये फैसला करती है जिसमें कि वो बच्चे के पासपोर्ट के मामले में वो एप्लीकेशन उसकी मदर का डिसमिस कर देती है, और फादर ने जो दो एप्लीकेशन लगाए थे जिसमें एक रिस्ट्रेन ऑर्डर पास करने के लिए कि वो बच्चे को बैंगलोर से बाहर नहीं ले जाए, उसको अलाउ कर देती है, साथ में विजिटेशन राइट भी अलाउ कर देती है। इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने मेन ग्राउंड लिया कि अगर बच्चा बैंगलोर से बाहर चला गया तो उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो जाएगा, इस ग्राउंड पर वो डिसमिस कर देती है। मैं आपको बता दूं कि जो ये ग्राउंड इसलिए लिया गया था कोर्ट के द्वारा, चूंकि नॉर्मली बच्चा जहां रेजाइड करता है, जहां रहता है, उसी ज्यूरिसडिक्शन में आने वाले कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो मुकदमे को सुने। अब मदर रीतिका है वो इस दोनों ऑर्डर को सुप्रीम हाईकोर्ट में चैलेंज करती है, बैंगलोर हाईकोर्ट में, और बैंगलोर हाईकोर्ट भी दोनों एप्लीकेशन को डिसमिस कर देता है, दोनों जो पिटीशन वो फाइल करती है दोनों को डिसमिस कर देता है 11 जुलाई 2019 को। इस तरीके से मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस है सिविल अपील नंबर 3544-45 ऑफ 2020 एंड केस का नाम है मिसेज रीतिका शरण वर्सेस सुजोय घोष। जो 3 जजेस के बेंच ने, फुल कोर्ट ने इस पिटीशन को सुना और उसको डिसाइड किया। इसमें थे डॉक्टर चंद्रचूर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। इन तीनों कोर्ट ने यूनिनियसली एक ऑर्डर पास किया जिसमें कि आर्टिकल 142 का सहारा लेकर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए मदर को अलाउ किया कि वो बच्चे को लेकर सिंगापुर जा सकती है। और क्योंकि कोर्ट ने ये कंसिडर किया कि इन सारे मुकदमे में जो मेन कंसिडरेशन होता है वो बच्चे का इंटरेस्ट होता है और उसका वेलफेयर होता है, दैट इज़ ऑफ पैरामाउंट कंसर्न। आर्टिकल 142 का जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, एक तरह से फैसिलिटेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीका है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट पावर दी जाती है कि सब्सटेंटिव जस्टिस करने के लिए या कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो किसी भी रिलीफ को मॉडिफाई कर सकती है। और इस केस में बच्चे के इंटरेस्ट में उसने
142 का सहारा लिया, चूंकि कुछ ऐसे ऑर्डर्स हाई कोर्ट ने पास किए थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ था, तो ये टेक्निकलिटी नहीं आ जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 142 के सहारे इस केस को अलाउ किया और मदर जो रीतिका थी उसको बच्चे को लेकर सिंगापुर जाने की इजाज़त दे दी। उसने कुछ और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे कि जो पेरेंट्स कस्टडी नॉन कस्टडी पेरेंट्स हैं, यहाँ सुजोय है, उसके विजिटेशन राइट को, उसके कस्टडी राइट, उसके और सारी राइट को सिक्योर किया जाए। तीसरी बात उसने कही कि अगर बच्चा बैंगलोर से बाहर चला जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायल कोर्ट या फैमिली कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन ख़त्म हो जाएगा। इन सभी केसेस में इस केस में पर्टिकुलरली कोर्ट ने फादर के एडिक्वेट राइट को रिकॉग्नाइज किया कि उसका विजिटेशन राइट है, उसका मिलने का अधिकार है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि सैटरडे और संडे को जब तक वो बच्चा सिंगापुर में रहता है, सैटरडे संडे को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक एक घंटे का बात कर सकता है, और भी दिन कर सकता है बट लिमिटेड फॉर 5-10 मिनट्स बच्चे की कन्वीनियंस के अनुसार। कोर्ट ने ये कहा कि इमीडिएटली सुजोय जो फादर है वो पासपोर्ट को हैंड ओवर करेगा मदर को, जिससे कि वो उसको लेकर आगे जाएगी। कोर्ट ने ये परमिशन दिया, कोर्ट ने ये प्रोविज़न लगाया उसमें कि 2021 के समर वैकेशन में कम से कम 15 दिन के लिए बच्चे को बैंगलोर लाया जाएगा और जहाँ पे फादर को मिलने का अधिकार होगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो इस तरीके से एक चीज़ और भी लगाई गई कि भाई साल में 2 बार कम से कम फादर और बच्चे के मिलने का एक प्रोविज़न रखा जाएगा, चाहे वो बेंगलोर आके हो या फादर सिंगापुर जाके जो। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बच्चे के इंटरेस्ट को और नॉन कस्टडी पेरेंट्स के राइट को सेफगार्ड करते हुए कोर्ट ने एक डिटेल ऑर्डर पास किया, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में या इंडिया के और किसी कोर्ट में एक ये सारे गाइडलाइन काम कर सकते हैं एक फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह के केसेस में। दूसरा केस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें वो सिविल अपील नंबर 3559 ऑफ 2020 है, जिसमें केस का नाम है स्मृति मदान कंसाग्रा वर्सेस पेरी कंसाग्रा। इसमें पेरी एक इंडियन ओरिजिन के हैं और वो उन गुजराती डिसेंट के हैं, बट उनकी फैमिली 3-4 जनरेशन पहले केन्या में सेटल कर गई है और वो वहीं रहते हैं। 29 जुलाई 2007 को उनकी शादी स्मृति से होती है, जो इंडियन सिटीजन है और दिल्ली में रहती है। शादी के बाद दोनों केन्या में रहते हैं 5 साल तक। इसी बीच एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन वो बच्चे का जन्म इंडिया में होता है। इस तरीके से उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलता है और देर आफ्टर वो उसको ड्यूअल सिटीजनशिप दोनों पेरेंट्स ने डिसाइड किया हुआ था कि केन्या और यूनाइटेड किंगडम का भी लेंगे। शादी के पाँच साल के बाद स्मृति बच्चे को लेकर इंडिया आती है और उसके बाद डिफ्रेंसेज हो जाता है, और देन 26 मई 2012 को स्मृति एक दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करती है, जिसमें कि एक इंजंक्शन ऑर्डर प्रे करती है वो कि पेरी और उसके पेरेंट्स बच्चे को उसकी कस्टडी से दिल्ली के बाहर ना ले जाएं। हालांकि ये केस तो 31 अगस्त 2015 को पेरी के स्टेटमेंट से हो जाता है कि भाई जब बिना किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, कानून की मदद के, वो बच्चे को उनकी कस्टडी से नहीं हटाएगा। लेकिन इसी बीच वो 6 नवंबर 2012 को एक कंप्लीट गार्जियनशिप पिटीशन फाइल करता है दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जहां पे वो परमानेंट कस्टडी की डिमांड करता है। फैमिली कोर्ट अपने ऑर्डर 12 जनवरी 2018 को परमानेंट कस्टडी अलाउ कर देती है फादर को, जो पेरी कंसाग्रा है, और इस ऑर्डर से के खिलाफ स्मृति फाइल करती है अपील दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट भी इस फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को इन्फॉर्म करता है और 25 फरवरी 2020 को अपील को डिसमिस कर देता है। इस तरीके से मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। जिस समय ये सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा हो रहा था, उस समय उस बच्चे की उम्र 11 साल थी और वो मेजोरिटी अभी अटेंड नहीं किया था, और ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया हुआ है कि केवल और केवल बच्चे के इंटरेस्ट और वेलफेयर से गाइडेड होकर ही कस्टडी मैटर को डिसाइड किया जाएगा, चाहे इसका प्रभाव दोनों पेरेंट्स पे जो भी हो। सेक्शन 13(13)
हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियंस एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलरली ये प्रोवाइड करता है कि बच्चे की कस्टडी के डिस्प्यूट में बच्चे का वेलफेयर को ही कंसिडर किया जाए। दूसरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, जो ये कहता है कि अगर बच्चा इस बात की समझ रखने लायक हो गया है, तो वो बातों को समझ सकता है, तो उसके चॉइस को काफ़ी वैल्यू दी जाएगी इस तरह के मैटर को जुडिशियसली डिसाइड करने में, और बच्चे की कस्टडी वहीं दी जाएगी जहाँ पे बच्चा चाहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च 2020 को पेरी को, स्मृति को और आदित्य को अपने चैम्बर में बुलाती हैं, और वहाँ पे डिटेल डिस्कशन होता है, डिटेल्स वो जानना चाहती हैं सेपरेटली सभी के चीज़ों को, सभी के विचार को। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जो काउंसिलर के रिपोर्ट शुरू से, जो फैमिली कोर्ट में काउंसिलर के रिपोर्ट्स थे, फैमिली कोर्ट के जो खुद के रिपोर्ट थे, जो हाई कोर्ट ने इंटरेक्शन किया था उसके रिपोर्ट थे, इन सारे रिपोर्ट्स को ध्यान में रखकर फैसला करती है कि बच्चे की परमानेंट कस्टडी जो पेरेंट फादर को मिल गई है वो फादर के पास ही रहेगी। साथ में वो एक कंडीशन लगाती है कि पेरी को एक मिरर ऑर्डर लेना होगा कंसर्न्ड कोर्ट से नैरोबी में, केन्या में, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किए डायरेक्शंस को रिफ्लेक्ट करेगा। मीन्स जिस ज्यूरिसडिक्शन में बच्चा रह रहा है वहाँ पे जो कोर्ट है उसकी जानकारी में भी ये होनी चाहिए कि इस केस में क्या क्या ऑर्डर पास हुए हैं जिसकी वजह से उसका कंप्लायंस हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट मिरर ऑर्डर का, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एक डिवाइस है एक तरीके से, कि बच्चे के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए बच्चा जहाँ भी होगा वहाँ के कोर्ट के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन जो सुप्रीम कोर्ट लगाती है पेरी पे, कि आप 1 करोड़ रुपया 2 साल के लिए जमा कीजिए ताकि इनके कंप्लायंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं सारे कंप्लायंस को इंश्योर किया जाए। स्मृति को ये आज़ादी होती है कि वो वीकेंड पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 1 घंटा बच्चे से इंटरेक्ट कर सके, और बच्चा जब भी चाहेगा वो अपनी मदर से बात कर सकता, और इसका प्रोविज़न पेरेंट फादर को करना होगा। दूसरी बात ये, दूसरा एक कंडीशन ये लगाती है कि आदित्य की अगर मदर साल में एक बार जाना चाहे तो फादर को उसका पूरा खर्चा रहने का और जाने आने का बियर करना होगा। इस जजमेंट को पास किया था जिसमें 3 जजेज थे, जस्टिस यू ललित, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस हेमंत गुप्ता। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने डिसेंटिंग जजमेंट लिखा। उनका ये कहना था कि स्मृति के अपील को, उन्होंने स्मृति के अपील को अलाउ किया और ये कहा कि बच्चा वहीं रहना चाहिए, जो इतने सालों से अगर वो मदर के पास रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, तो उसको वहीं रहना चाहिए, उसके वेलफेयर में वही है। बच्चे को दिल्ली से बाहर जो ले जाना समझदारी नहीं है, क्योंकि वो पिछले 5-6 साल से दिल्ली में ही रह रहा है और दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहा है। अगर वो आज की डेट में उसको दिल्ली से बाहर किसी जगह भेजा गया तो उसका स्कूल भी बदल जाएगा, उसके फ्रेंड्स बदल जाएंगे, उसके टीचर्स बदल जाएंगे, इस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। और ख़ासकर उन्होंने एक बात कही कि मैट्रिमोनियल जो भी डिस्कॉर्ड होता है उसमें अगर बच्चे को ऐसे एलिनेट किया जाता है तो पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम, उन्होंने एक इस पर्टिकुलर वर्ड की बात करी जो कि बच्चे पे दिखा जाता है, कि जिस बच्चे के जो बच्चा जिस पेरेंट्स के साथ रह रहा है अगर उस स्टेज में उसको हम हटाते हैं तो उसके कुछ एडवर्स इम्पैक्ट पड़ते हैं। और इस एट प्रेजेंट बच्चा ग्रोइंग एज में है, 11 साल में है, तो इस तरीके से उसको जो भी फिजिकल साइकोलॉजिकल और दूसरे इफेक्ट पड़ेंगे उसके डेवलपमेंट में। तो ये दोनों जजमेंट हम देखते हैं, 2 अलग अलग सर्कमस्टांसेज में दिए गए हैं, 2 अलग अलग डायमेंशंस को दिखाते हैं कस्टडी के बैटल में, और ये दिखाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट, उसका डेवलपमेंट, उसका फ्यूचर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस का होता है किसी भी कस्टडी बैटल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे वीडियो को देखा, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिससे कि उनके व्यूज़ को जानने का भी मौका मिले, मुझे भी आपकी इन्फॉर्मेशन से अपनी जानकारी बढ़ाने का मौका मिलता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।